और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का बयान आया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना में बगावत की स्क्रिप्ट संजय राउत ने लिखी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल और चंद्रकांत पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो शिवसेना में बगावत हो रही है, विद्रोह हो रहा है, उस बगावत की स्क्रिप्ट के लेखक कोई और नहीं, पार्टी के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि शिवसेना के अंदर जो बगावत हो रही है, जो विद्रोह हो रहा है, जो लोग नाराज हो रहे हैं, विधायक नाराज हैं, उसकी स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि संजय राउत ने लिखी है। यह बड़ा आरोप शिवसेना के प्रवक्ता और शिवसेना के सांसद संजय राउत के ऊपर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल लगा रहे हैं। पाटिल का कहना है कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई, जो बगावत हो रही है, उसके पीछे कोई और नहीं है, संजय राउत है, संजय राउत की भूमिका है इस सब के पीछे। यह बड़ा आरोप चंद्रकांत पाटिल ने लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि इस बगावत की स्क्रिप्ट संजय राउत ने लिखी है। तो इस वक्त यह बड़ी जानकारी, कुछ देर पहले ही संजय राउत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम आरोप लगाए थे। और इन सबके बीच एक और बड़ी जानकारी, शिवसेना के चार और एमएलए गुजरात पहुंच गए हैं, यानी यह संख्या बढ़ती जा रही है। जो ये कहा जा रहा था कि वहां पर विधायकों को बंधक बनाया गया है, विधायक वापस आ जाएंगे, इस वक्त यह बड़ा अपडेट मिल रहा है कि शिवसेना के चार और एमएलए गुजरात पहुंच गए हैं। इस वक्त यह बड़ी जानकारी मिल रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि शिवसेना के चार और एमएलए गुजरात पहुंच गए हैं। पहले यह बताया जा रहा कि 22 एमएलए गुजरात में हैं, एकनाथ शिंदे हैं। और इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि शिवसेना के 35 एमएलए आउट ऑफ रीच हैं, यानी कि शिवसेना के संपर्क में नहीं है और 35 एमएलए सूरत में हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है यह, अगर 35 एमएलए सूरत में है तो फिर संकट में है उद्धव सरकार, क्योंकि संख्या 169 की है महाविकास आघाड़ी के पास। अंकुर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, बैठक बुलाई गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि विधायक सभी यहां पर आए, लेकिन खबर क्या है, 35 विधायक सूरत में है। देखिए, सोर्सेज जो कह रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 35 विधायक जो हैं शिवसेना के ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं, वो लगातार उनसे संपर्क साधे हुए हैं और उनमें से अभी कुछ और विधायक हैं जो अभी फिलहाल तो सूरत में नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद 9 से 10 विधायक ऐसे हैं जो सूरत पहुंच सकते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है यहाँ पर बहुत तेजी से बदल रहा है। बीजेपी का दावा ऐसा है, उनके जो सोर्सेज हैं बीजेपी के, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 35 विधायक ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए हैं और उनके लगातार संपर्क में हैं और उनका जो कम्युनिकेशन है वो उद्धव ठाकरे या शिवसेना से पूरी तरह कट चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, लेकिन अभी क्या ये संख्या स्पष्ट हो पाई है कि कितने विधायक गुजरात पहुंच गए हैं? लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अभी 9 से 10 विधायक और हैं जो अभी भी इनका पहुंचना बाकी है। 23 के करीब विधायक, 26 के करीब विधायक हैं जो ऑलरेडी इस वक्त माना जा रहा है सूरत में मौजूद हैं फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि 9 और विधायक हैं जो अभी सूरत की तरफ या तो बढ़ चुके हैं या पहुंचने वाले हैं या थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो ये जो आंकड़ा है, ये 35 विधायकों का जो आंकड़ा है, धीरे धीरे ये अपने आपको दिखाई देगा कि और क्या क्या जिस बात को लेकर आप कह रहे हैं कि ये दावा बीजेपी के सोर्सेज की तरफ से हो रहा है या जो बागी विधायक है उनकी तरफ से हो रहा है, जो बैठक बुलाई गई है शिवसेना के द्वारा जिसमें विधायकों को पहुंचना है, सांसदों को पहुंचना है, वहां विधायकों की संख्या ये बता देगी कि कितने विधायक यहां पे पहुंचे हैं, बाकी जो नहीं पहुंचे वो कनेक्शन में नहीं है शिवसेना के साथ इस वक्त? देखिए, जाहिर तौर पर मिलिंद नार्वेकर हैं, एक कद्दावर नेता हैं, उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, जितने भी विधायक हैं उन तमाम विधायकों से वो संपर्क करते रहे। हालांकि अभी जो थोड़ी देर के बाद जो मीटिंग होने वाली है, 12 बजे मीटिंग होनी है मातोश्री पे, वहां पर ये पूरा का पूरा एक्चुअली आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि कई सारे विधायक ऐसे होंगे जिनको पहुंचना है, अगर वो नहीं पहुंचते हैं या वो फोन पे भी रीचेबल नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के
वो अभी फिलहाल कम्युनिकेशन मोड पे नहीं है और ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक निकल कर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान यहाँ से उठाना पड़ रहा है। कई सारे नेता ऐसे हैं जो लगातार दबी जबान में कहते रहे हैं कि शिवसेना के विधायकों की जो नाराजगी है उसके बारे में लगातार अवगत कराया जा रहा था, बावजूद उसके ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए ये नौबत आन पड़ी है कि अब एक बात और अंकुर, ये जो चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं संजय राउत के ऊपर, कह रहे हैं कि जो ये स्क्रिप्ट लिखी गई बगावत की, इसके पीछे संजय राउत हैं। देखिए, ये अभी एक बहुत बड़ा सियासी बयान आप इसको के तौर पर ले सकते हैं। फिलहाल शिवसेना के नेता हैं वो अपनी तरफ से अपनी बात कर रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि संजय राउत ने ये स्क्रिप्ट लिखी है, हालांकि संजय राउत खुद कई बार मुखर तौर पर बीजेपी का विरोध करते आए हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते आए हैं। तो ये बिल्कुल अंकुर, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूँ। चंद्रकांत पाटिल ने जो बड़ा आरोप संजय राउत के ऊपर लगाया है वो दर्शकों को सुनाते हैं, क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो क्या संजय राउत जी है, थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे हर विषय पर, चला आम्ही मराठी म्हणतो अंगावर जाने की आवश्यकता नहीं। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना यह थोड़ा प्री मैच्योर होगा। तो चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि अभी प्री मैच्योर होगा कोई भी बयानबाजी करना कि सरकार गिरेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हम सिर्फ पूरे राजनीतिक हालात को बहुत ही गंभीरता के साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नीलेश खरे इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या नजर उस बैठक पर है जो शिवसेना ने बुलाई है, कितने विधायक उनके पास पहुंचते हैं? जी, मुख्य तौर पर उद्धव ठाकरे द्वारा एक अर्जेंट मीटिंग को कॉल किया गया है विधायकों के साथ और सांसदों के साथ, और यहाँ पर कितने विधायक पहुंचते हैं उस पर निर्भर होगा कि कितने विधायक शिवसेना के साथ है और कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। पर जो खबर मिल रही है 35 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। अगर ऐसा है तो एकनाथ शिंदे एक अलग गुट बनाकर शिवसेना से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी कि सत्ता में वो शामिल नहीं हो सकते। अगर 35 विधायक उनके साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता बना सकते हैं। एकनाथ शिंदे को बीजेपी द्वारा उप मुख्यमंत्री पद की ऑफर दी गई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। खुद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की ओर रवाना हो गया है और दोपहर 2 बजे के बाद हमें चित्र स्पष्ट होते नजर आएगा कि शिवसेना के पास अब कितने विधायक बाकी बचे हैं और एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात नीलेश खरे, जो महाराष्ट्र की सियासत को बहुत गंभीरता के साथ समझते हैं, वो बता रहे हैं कि वो संख्या बता देगी जो शिवसेना की बैठक में पहुंचेंगे कि उनके पास अभी कितने हैं, और जो दावा किया जा रहा है कि 35 एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो वाकई हैं या उनमें से भी कुछ उद्धव ठाकरे की इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। प्रेजेंटिंग द न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।